मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को राजनांदगांव जिले के ग्राम सिंघोला की मां भानेश्वरी जयंती महोत्सव एवं सामूहिक आदर्श विवाह समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 35,79,86,000 रुपए के 11 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शासन की विभिन्न विभागीय योजनाओं के तहत 40 हितग्राहियों को 9,78,000 रुपए के चेक और सामग्री का वितरण किया। माता की जयंती बहुत हर्षोल्लास के साथ इस साल मना थन। वैसे तो एक आयोजन हर साल होते, अला लगातार समाज के व्यक्ति मन बड़े आयोजन करे के प्रयास। ताम्रत ध्वज भैया जब अध्यक्ष रही तब से चले आते, अभी गाड़ी में बैठे रहे तो चर्चा करत रही केला राजनांदगांव स्तर में होना चाहिए, बड़े स्तर में करना चाहिए। उकर बाद लगातार समाज के जिन पदाधिकारी है तेमन प्रयासरत रही से, लेकिन टहल भैया लय एकर श्रेय जाए कि बहुत बड़े आयोजन प्रदेश स्तरीय आयोजन करे में वो सफलता मिले, तो टहल भैया बहुत बहुत बधाई। पूरा टीम ला बधाई, भागवत भाई भी बधाई, और पूरा सब चाहे युवा प्रकोष्ठ के हो चाहे महिला संगठन हो, सब ला बहुत बहुत बधाई शुभकामना। बहुत बड़े आयोजन, हजारों के तादाद में पूरा प्रदेश भर से सब श्रद्धालु मनाए हैं। साहू समाज में एक से एक विभूति, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में विशिष्ट पहचान हम देखथन। राष्ट्रीय स्तर पर भक्त माता कर्मा के जी हाँ बहुत श्रद्धा पूर्वक सब नाम लेते, वहीं दानवीर भामा साहब के बहुत सम्मान राष्ट्रीय स्तर पे है। लेकिन हमारे प्रदेश में भी आध्यात्मिक महापुरुष मन के कोई कमी नहीं, खासकर माता मन ज्यादा है। ये पहले के अभी भानेश्वरी माता की जयंती मनाथन, 7 जनवरी के हमन राजिम महोत्सव मनाथन, तेलिन सत्यदायी है, और अभी वर्तमान में अद्भुत महापुरुष रायगढ़ में सालों साल धूप में, बरसात में, ठंड में, खुले में बैठे सत्यनारायण बाबा,